मंदिर खुल रहा है जिसको घंटा बजाना जाके बजाए। हमारे तो नौजवानों के लिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर आपको लगता है कि बूथ लूट लेगा, आप जब 7 चरण में ही कराना है तो फिर मशीन क्यों? मतलब बैलेट वापस आना एकदम आना चाहिए। और इसके लिए हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे कि जिसके मन दाल में कुछ काला है वही ईवीएम का समर्थन कर रहा है। यही बीजेपी पहले ईवीएम का विरोध कर रही थी और आज ईवीएम के समर्थन में, इसका मतलब है दाल में कहीं कुछ काला है। मशीन, एवरीथिंग इज बीइंग मैनिपुलेटेड। जब नासा आपसे पहले आपका चित्र निकाल के भेज देता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, आपसे ज्यादा जानकारी उसको होता है। तो ईवीएम मैनेज करना कौन सी बड़ी बात, शैतान की जान कहाँ है तोते में, तोता क्या है, ईवीएम है। मतलब हर चीज ईवीएम से जुड़ रही है, कुछ सब कुछ जुड़ रही है। खाली बीजेपी का जो भगत है वही खुश है। अग्निवीर आ गया, किसान वीर भी लाने की योजना थी, अब शिक्षक वीर भी आ चुका है, तो सब जगह वीर वीर ही है, तो कौन आपको खुश दिख रहा है? और अगर सर, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, मान लीजिए बैलेट पेपर से चुनाव और बीजेपी जीत गई, तो क्या चीजें रहेंगी? ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाओ सर, यही चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या हो। कोई जीते हाँ ठीक है, पहले करा के तो दिखाओ। चलिए ठीक है, आप चैलेंज तो बार बार देते ही आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 100 सीट बीजेपी ना जीत पाएगी, 400 तो दूर की बात। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अपसत रवीना। ईवीएम बैन, ईवीएम हैकिंग, ये शब्द काफी प्रचलन में आजकल है, काफी चीजें इनके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती हैं, काफी आंदोलनों का एक आह्वान कर दिया गया है। और अभी कुछ दिन पहले जब भानु प्रताप ने इतना बड़ा एक धरना, एक आंदोलन आप कह लीजिए, ईवीएम के खिलाफ छेड़ा था, प्रोफेसर रतनलाल उसमें साथ देने पहुंचे थे, समर्थन करने पहुंचे थे। तो प्रोफेसर रतनलाल से समझते हैं कि ये इन चीजों को किस प्रकार देख रहे हैं। और भी हम बार बार आप तक ये पहुंचा रहे कि 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा आने वाला है, ईवीएम बैन की अगर मांग अब उठेगी तो क्या कहीं उम्मीद है, क्या कहीं गुंजाइश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बैन हो जाए, बंद हो जाए और बैलेट पेपर वापस हो जाए? ये सारे सवाल हैं जो शायद जनता भी जानना चाहती है कि इनके जवाब क्या हो सकते हैं। सर आप बताइए कि जब ईवीएम बैन, ईवीएम हैकिंग जैसी ये टर्म्स इतनी यूज हो रही हैं आजकल, इन पर बातचीत हो रही है ईवीएम को लेकर, आपको क्या लगता है कि कितना पॉसिबल है ये सारी चीजें? वो तो अब वीडियोज आ रहे हैं लगातार, कई चैनल पे आपने देखा होगा, ईवीएम की लूट भी हो रही है। तो जो बूथ पहले लूटते थे वही ईवीएम भी लूट रहे हैं, अधिकारी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो तमाम। आपने देखा होगा चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, चाहे तमाम जगह, तो ईवीएम मैनेज हो सकता है ना, ईवीएम मैनेज हो सकता है। तो जब दुनिया की बड़ी बड़ी लोकशाही जहां पर साइंस टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, वहां ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, कई जगह तो ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ उसको हटा दिया गया। तो यही बीजेपी पहले ईवीएम का विरोध कर रही थी और आज ईवीएम के समर्थन में, इसका मतलब है दाल में कहीं कुछ काला है। और कई इस तरह के स्टडीज हैं कि कैसे मैनिपुलेट होता है ईवीएम, बहुत सारे स्टडीज हैं, अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को निकाली दिया गया, आपको पता ही होगा। तो ईवीएम से क्यों वोट हमारा, तो हम किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कहाँ पता लगेगा? तो इसलिए हम लोग सारे पॉलिटिकल पार्टी से अपील कर रहे हैं, 12 को और 13 को 2 दिन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा इस मसले पे, हम लोग सब लोग रहेंगे, कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जो है आप मेमोरेंडम डाले अपने मैनिफेस्टो में कि हम सत्ता में आएंगे ईवीएम हटाएंगे। इसमें कई पक्ष हैं, चुनाव आयोग है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो जो कोर्ट में मामला लंबित है, तो ये भी एक संदेहास्पद है ना कि जब एक पत्रकार के लिए रात में 12 बजे कोर्ट खुल सकता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है और ईवीएम का मसला 4-5 साल से फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। और ईवीएम से क्यों, इसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। भाई टाइम आपका कम लग नहीं रहा है, 3 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं, वो तो बैलेट पेपर से भी उतना ही टाइम ले, चाहे उससे कम भी टाइम लगेगा। पहले भी पूरे देश में 1 या 2 फेज में चुनाव हो जाते थे, अब तो 5 फेज में आप कर रहे हैं। मतलब जो तर्क दिए जा रहे हैं कि खर्च बचेगा, समय बचेगा, कुछ नहीं, बेकार का है ये तर्क। जब आपके पास, अगर आपको लगता है कि बूथ लूट लेगा, तो 1970 से लेके अब तक में 50-52 साल में बहुत सारी स्थिति बदल गई है। कि आप अगर चाहो तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, बूथ में सीसीटीवी लगाओ, हाईटेक वेपन्स हैं, आप जब 7 चरण में ही कराना है तो फिर मशीन क्यों? मतलब बैलेट वापस आना एकदम आना चाहिए। और इसके लिए हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे कि जिसके मन दाल में कुछ काला है वही ईवीएम का समर्थन कर रहा है। जब मशीन, एवरीथिंग इज बीइंग मैनिपुलेटेड। जब नासा आपसे पहले आपका चित्र निकाल के भेज देता है
कि कहाँ पे क्या चल रहा है, आपसे ज्यादा जानकारी उसको होता है, तो ईवीएम मैनेज करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सर देखिए, अगर कोई विपक्षी पार्टी बोले, कोई विपक्ष का नेता आके बोले, तो समझा जा सकता है कि हार के कारण बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े वकील उतर रहे हैं, आप जैसे प्रोफेसर उतर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, तो ये और कितना विश्वसनीय होता जा रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। डेफिनेटली, और हम लोग आज आप देख रही हैं, आप उठा के देखिए तो 5-7 साल से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ थे, अनिल चमड़िया साहब थे, कई लोग थे, उसी तरह जैसे आपने जंतर मंतर पे देखा, उसी तरह लाइव हैकिंग हम लोगों ने करवाया था राजेंद्र पाल गौतम जी के घर पे। उस समय से राहुल गांधी ने वो वीडियो शेयर किया था, 20 करोड़ लोगों ने देखा हुआ है वीडियो। अब तो चलिए हम लोग बोल रहे थे, लेकिन अब तो नेता भी तो बोल ही रहे हैं ना, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल ही रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज फ्रंट पे आए, वो इस आंदोलन को लीड करें। हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, क्योंकि चुनाव उनको लड़ना है। अगर ईवीएम से पता है कि मैनिपुलेट हो जाएगा, आपकी बार 400 पारी, कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, जबकि आप देख रहे हैं किसान कि मोदी जी गारंटी है, इसलिए कॉन्फिडेंस गारंटी है। तो किसान, नौजवान, महिला, पहलवान, तो सब लोग तो सड़क पे ही है, मजदूर रोजगार में पकौड़े, रोजगार में पकौड़े, तो ये कहां से ये सब कहां खुश आपको दिख रहा है? खाली बीजेपी का जो भगत है वही खुश है। अग्नि वीर आ गया, किसान वीर भी लाने की योजना थी, अब शिक्षक वीर भी आ चुका है, तो सब जगह वीर वीर ही है, तो कौन आपको खुश दिख रहा है? ये सवाल है ना, सवाल है कि ईवीएम गारंटी किस बात की है? गारंटी है तो मंदिर खुल रहा है, जिसको घंटा बजाना जाके बजाए। हमारे तो नौजवानों के लिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये तो आपने भी अपने इसी बात में जिक्र कर दिया कि 4-5 साल पहले से आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो लोकसभा तो आने वाला है, 5 महीने में क्या हो जाएगा? 4-5 साल में ईवीएम बैन नहीं हो पाया। हम लोग मान लो कि आर्टिकल लिखेंगे या बोलेंगे, लेकिन जब तक ये मैसिव जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको एजेंडा नहीं बनाएंगी, जब तक संसद के अंदर नहीं गूंजेगा ये, जब तक चुनाव आयोग में दबाव नहीं बनेगा, तब तक कैसे होगा? हमारा काम सेंसिटाइज करना है, हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है, ठीक है जी? तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ईवीएम में सरासर धांधली है, वो मैनिपुलेट होता है, वो कब्जा किया जाता है, और खास तौर से जब समाज का दबा कुचला तबका जो है जब वोट देने आया है, उसी समय से ईवीएम की लीला शुरू हुई। देखिए पहले आया था 1980 में आया था ईवीएम, पता है आपको? तो उस समय हाईकोर्ट ने हटा दिया उसको। अच्छा मान लो टेक्नोलॉजी आप लाए तो एक सुविधा के लिए आए, तो वीवीपैट की गिनती, तो ये वो सब कुछ चला ना, तो 100% क्यों नहीं किया हर जगह? बिल्कुल हर जगह, जैसे हम ने वोट दिया, मशीन दबाया इसे, तो मेरे हाथ में पर्ची आना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया, देख लिया कि हाँ ठीक है तो उसमें डाल दिया, ठीक है जी, उसमें डाल दिया फिर, तो हम अपना वोट क्यों नहीं देखेंगे? सब कहना क्या चाहते, क्या ईवीएम के बदले सीधा बैलेट पेपर ही एक रास्ता है और कोई रास्ता? सीधा बैलेट पेपर के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो आपका डेमोक्रेसी जो है ना एक तरह से हाईजेक कर लिया गया, और उस संघीज और मनुस्मृति वालों ने हाईजेक कर लिया है पूरा। तो आप ये बताइए कि ये जो आंदोलन आप लोग चला रहे हैं, आपने बोला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, पूरा पैदल मार्च भी निकालेंगे, जनता को भी इकट्ठा करेंगे, गुंजाइश कितनी है कि लोकसभा से पहले बैन हो जाएगा, ऐसी चीज हो जाएगी कि बैलेट पेपर वापस आ जाए? ऐसा है, ये तो मैं कोई साधु और भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 1857 में जब पहला विद्रोह हुआ था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, और जो है मिला था आजादी कब, 1947 में, 90 साल लगा था। तो ये मान के चलिए कि ईवीएम हटाना आजादी की दूसरी लड़ाई है। इतनी बड़ी लड़ाई से कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी को हाईजेक कर लिया गया है। बहुत लोग इतना कुर्बानी देके, जिन लोगों ने इस डेमोक्रेसी को लाया, संविधान बनवाया, और जो लोग उस समय अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो उस समय संविधान का विरोध कर रहे थे, आज हुकूमत में है। इसलिए आप, हम तो कह रहे हैं 50 पार्टी खड़ी कर लो तभी बीजेपी हार जाएगी, ईवीएम हटा दो, कहाँ वो बताओ ना कहाँ वोट है? मतलब आप बोल रहे कि इतना जो प्यार दिख रहा है जनता का, मोदी जी जिस प्यार पर बोल रहे हैं, जिस गारंटियों का दावा कर रहे हैं, हमेशा मुखर होकर बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, वो सब कुर्सियां खाली रहती है आपकी जनसभाओं में, दिखता नहीं है? कुर्सियां खाली रहती हैं, मुस्लिम बहुल इलाके में जहां पे लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं दिए, वहां वोट दिख रहा है। यूपी का विधानसभा चुनाव हम लोगों ने देखा ही था, ईवीएम लूट से लेके मैनेजमेंट से लेके अधिकारी उसमें शामिल रहते हैं, सब कुछ हो रहा है। इसलिए आप सीसीटीवी कैमरा लगाओ, बैलेट पेपर लाओ, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रखो, हाई टेक्निक, शूट एट साइट, जो बूथ लुटेरा है शूट एट साइट ऑर्डर दो ना, क्या दिक्कत? मतलब आप ये बोल रहे कि अगर बैलेट पेपर आता है, क्योंकि सवाल तो यही उठता है कि बैलेट पेपर भी आ गया तो धांधली कौन सा कम होने वाली है, चोरी? शूट एट साइट ऑर्डर देने में आपको क्या जाता है?
भाई आप 7 पेज में अभी करा रहे हो ना, तो उस समय भी कराओ, एक जगह मान लो 4 जिला में है, सारे फोर्स लगा दो वहां पे, कैसे लूट लेगा बूथ। देखिए सर, आपने हर तरीके का चुनाव देखा है, बैलेट पेपर से चुनाव होते हुए देखा है, अब ईवीएम से चुनाव होते हुए देख रहे हैं, हर तरीके की चीजें आप देख चुके हैं। जो सवाल अभी ईवीएम पर उठ रहे हैं, पिछले बार भी उठे थे, इस बार भी उठ रहे हैं, लेकिन जो दावा है कि एक बार बीजेपी आ गई तो उसके बाद क्या चीजें होंगी, अलग सी चीजें होंगी, क्या अगर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि अब चुनाव ही नहीं होंगे, ये सीधा और सीधा सवाल। चुनाव ही नहीं होंगे तो ईवीएम की मांग कहां से होगी, क्या ईवीएम में? इसीलिए तो कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो में डाले, मुद्दा बनाए, इसके लिए जन आंदोलन करें, हम लोग उसके समर्थन में तैयार हैं, हम लोग तो माहौल बना ही रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। जनता साथ में है, जनता नहीं है? देखिए सोशल मीडिया पे तो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है, आप ही के चैनल पे देखा, लाखों लाख लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, आप ही के चैनल पे देखा हमने, लाखों लाख लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए, जन आंदोलन है, अब तैयारी होगी ना, आंदोलन खड़ा करना आसान काम नहीं है। तो अभी 12 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 13 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरा नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जा रही है कि बैन ईवीएम, पूरे नेशनल लेवल पे टीम होगी, हम लोग हर स्टेट कैपिटल में जाएंगे, जिला में जाएंगे, जहां जो लोग बुलाएंगे जाएंगे, पूरी टीम जाएगी और उसके खिलाफ पूरा आंदोलन तैयार करेंगे। जो आप लोगों ने जो नारा रखा है सर, इस पर भी एक चर्चा करने का विषय है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये सारी चीजें जुड़ गई हैं आपस, मतलब एक ईवीएम है, ईवीएम पूरा कॉर्पोरेट डिजाइन है, पहले समझिए। इसीलिए कुछ लोग देश का सबसे अमीर बनते जा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, लूट के भाग जा रहे हैं, तो देश अब संविधान तभी बचेगा ना जब स्वस्थ डेमोक्रेसी हो, और स्वस्थ डेमोक्रेसी कैसे होगा, जब फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, तो कैसे होगा, ये इंश्योर करना है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ही इस तरह लग रहा है कि जैसे वो अब हमको कहे कि ईवीएम हैक करके दिखाइए, तो उनको मैं बोलूंगा ईवीएम वाले को कि चला हिस्ट्री पढ़ा के दिखाइए। अच्छा, मतलब जो चैलेंज दिया गया है उसको भाई, जो हैकर है, जो कर सकता है, उसको लाओ ना सामने। तो विपक्षी पार्टियां भी तो नहीं जा रही हैं, इसलिए तो एक मौका मिल रहा है। अरे जाएगी ना, अब धीरे धीरे आवाज तो निकलना शुरू हुआ है ना, क्योंकि सत्ता में तो उन्हीं को जाना, हमें थोड़ी जाना। आपको लगता है कितनी बड़ी विपक्षी पार्टी, इतना बड़ा गठबंधन बन गया है, ईवीएम को लेकर मुखर होंगे इस तरीके से? लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एक आखिरी सवाल से सर खत्म कर देते हैं कि 2024 में जो इंडिया वर्सेज एनडीए है, ईवीएम की बात भी जारी है, सारे मुद्दे एक साथ उठ रहे हैं, क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा ज्यादा चल पाएगा? मुद्दे तो सारे हैं, लेकिन सबके सबके जड़ में शैतान की जान कहाँ है, तोते में, तोता क्या है, ईवीएम है, मतलब हर चीज ईवीएम से जुड़ रही है, कुछ सब कुछ करो, सब कुछ जुड़ रही है। चुनाव के बाद बिना ईवीएम के नहीं हो पाएगी, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। मतलब चुनाव की अगर कोई बात करेगा तो ईवीएम का जिक्र करे बिना नहीं हट, नहीं नहीं नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का आह्वान है, आप उसके साथ हैं? रहूंगा, उनके साथ रहेंगे। हाँ, 15 तारीख को, हाँ चलेंगे, चलेंगे। और अगर सर, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, मान लीजिए बैलेट पेपर से चुनाव और बीजेपी जीत गई, तो क्या चीजें रहेंगी सर? भाई हम लोग कमजोर आदमी, सीसीटीवी कैमरे लगाओ वहाँ पे, अधिकारियों पे भी लगाओ, अधिकारी सब भी बेईमान होता है उसमें, इलेक्शन में आपको पता है कि नहीं, अधिकारी भी बेईमानी करता है उसमें, एक कैमरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे भी लगाओ, एक जहाँ पे बैलेट बॉक्स रखा वहाँ पे लगाओ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाओ, सिर्फ यही चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या हो, कोई जीते। हाँ ठीक है, पहले करा के तो दिखाओ। चलिए ठीक है, आप चैलेंज तो बार बार देते ही आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 100 सीट बीजेपी ना जीत पाएगी, 400 तो दूर की बात है, गारंटी। थैंक यू। एक तरफ बीजेपी के दावे हैं 400 पार, तो एक बार बोल रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें अगर बीजेपी लाए तो अलग तरीके की तस्वीर हो जाएंगी। 2024 में अगर बातचीत होगी तो ईवीएम का जिक्र होना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जन आंदोलन शुरू हो रहा है। ये सारी चीजें किस प्रकार जाने वाली है, आप तक पहुंचाएंगे, जनता के मुद्दे इसी प्रकार आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे। सियान चैनल ना नोड़ता इरी, सब्सक्राइब आगी, लाइक माड़ी, शेयर माड़ी, मुक्ता पत्रिकोद्यम बेंबल। नमस्कार।